प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक दमदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया इलाही खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू, जिसे देखने के बाद ना सिर्फ मजहब के ठेकेदार बल्कि जो कट्टरपंथी हैं उनको भी जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था मैसेजेस और कमेंट्स के थ्रू। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। मुसलमान लड़कों का एक पूरा टीम ग्रुप चरस गांजा शराब नवेशी करता है, बार जाता है, पब जाता है, क्लब जाता है, नाचता है और गैर धर्म की औरतों के साथ शारीरिक संबंध करता है, तब उसके लिए भी फतवा या इस्लाम से बॉयकॉट ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मौलाना इलियास साहब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर जाते हैं और गंगा जमनी तहजीब को वो फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर फतवा जारी हो जाता है। जब नाज़िया इलाही खान एडुकेशन के बारे में बात करती है, जब वो हलाला बैन करने के बारे में बात करती है, जब वो देश की हिंदू बेटियों को लव जिहाद से वो आगाह करवाती है, जब मुसलमान बेटियों को हिजाब से बाहर निकल करके शिक्षित होने की बात करती है, तो मेरे ऊपर गालियां बरसती हैं। तो ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये हम बता रहे हैं लोगों को, ये हम समझा रहे हैं लोगों को। और अब धीरे धीरे मुसलमान बेटियों को, महिलाओं को समझ में भी आ रहा है, शिक्षित पुरुषों को भी समझ में आ रहा है। ये मेरा भारत देश है। आपको पता है 1,22,00,000 से ऊपर मर्द एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। अच्छा, 1,22,00,000 से ऊपर मुसलमान मर्द एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। तो ये आप ही ने तो अभी बताया कि ये एक बंद कमरा है, तो फिर आप उसमें खिड़की तो बना नहीं सकते, तो आप उस कमरे से ही फिर निकलना बेहतर होता है फिर। नहीं, मैं तो भाई उस कमरे में ना खिड़की बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और इस्लाम के उस बंद कमरे में ना मैं दरवाजा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उस बंद कमरे को बुलडोजर से तोड़ देने की कोशिश कर रही हूँ। यही। लेकिन जो एक्स मुस्लिम की आप बात कर रही हैं, फिर वो कहते हैं काम बेहतर है कि इतने बड़े संघर्ष में जाएं, इससे अच्छा है हम खुद ही छोड़ के साइड पे बैठ जाते हैं। नहीं, कोई एक्स मुस्लिम भी साइड में नहीं। सारे एक्स मुस्लिम पहले उन्होंने, जब वो मुसलमान थे तो पहले उन्होंने अल-तकिया किया, दाई किया, जिहाद किया, जजिया किया। अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या बेहूदगी थी और क्या क्या गंदगी थी और क्या क्या गलत था। सारे के सारे एक्स मुस्लिम अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिया जो सारी बेहूदगी और बदतमीजी है, उसको वो कन्फ्रंटेशन करके, डिबेट कर करके, प्रूफ के आधार पर, कुरान की आयतों को देकर के, कुरान के सूरह को देकर के, वो बिल्कुल एकदम लाउड एंड क्लियर वो बातें कर रहे हैं, एकदम लाउड एंड क्लियर। मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, मैं रोजा भी रखती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं शबे कदर भी मनाती हूँ, मैं शबे मिराज भी मनाती हूँ, मैं इस्लाम से जुड़े हुए सारे जो फराइज है मैं उसको पूरा करती हूँ। अब अगर बहुत सारे मुस्लिम मर्द आते हैं जो मुझे कहते हैं अरे तुमको इतना ही प्रॉब्लम है तो इस्लाम छोड़ दो, तो मेरा जवाब भाई ये होता है कि इस्लाम क्या तेरे बाप की जागीर है, या तू अबू मरतहद है या जिब्राइल अलैहिस्सलाम है जो तू अल्लाह तबारक ताला की चिट्ठी लेकर के आ गया है कि नाज़िया को इस्लाम छोड़ देना चाहिए। अगर किसी मुसलमान मर्द में ये ताकत है ये बताने की कि उसके अम्मा के जहेज में इस्लाम आया था और अबू मरतहद उसको चिट्ठी देकर के गए हैं, तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन जब तक वो चिट्ठी मैं नहीं देखूंगी, तब तक किसी के बाप की औकात नहीं है कि मुझसे इस्लाम छोड़वा दे। इसी इस्लाम में रह करके, इसी इस्लाम के बंद कमरे को मैं तोड़ कर दिखाऊंगी, इसी इस्लाम में रह करके, पांच वक्त नमाज पढ़ करके और इस्लाम के फराइज को पूरा कर करके मैं इस्लाम में रिफॉर्मेशन ला कर रहा हूं। नाज़िया जी, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि अब की बार 400 हो जाती है अगर,
और मोदी सरकार 400 की बात क्यों करती है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कुछ रिफॉर्म्स, वो बुलडोजर जिससे आप वो कमरा तोड़ना चाहती हैं, वो बुलडोजर से वो भी इस्लाम में से वो जो खराबियां हैं, जैसे वक्फ बोर्ड इस्लाम में नहीं होता, सऊदी अरब पाकिस्तान में औकाफ की मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री का मतलब है सरकार के हवाले होते हैं वो, प्राइवेट कोई वक्फ बोर्ड नहीं होता। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ और ये हलाला टाइप की चीजें, ये सब चीजें अगर अब की बार 400 हुआ तो वो बुलडोजर से चीजों को तोड़ा जाएगा, इसका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि मुसलमान अगेन अपने मुल्ला, अपने कम्युनिस्ट कम्युनल लीडर्स जो हैं उनके कंट्रोल में, उसका रिएक्शन भारी नहीं होगा। देखिए मैं इसको दो तरीके से डिफाइन करूंगी और डिस्क्राइब करूंगी। मुसलमान मोदी जी की तमाम योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हाँ। स्मार्ट इंडिया मैंने आपको दिखाया अभी कि चार मीनार पे लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल भारत को वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तमाम योजनाओं का लाभ उन्होंने उठाया है, बाथरूम से लेकर के गैस सिलेंडर से लेकर के सारी सब्सिडीज उन्होंने लिया है। लेकिन याद कीजिए, आपको याद होगा 1946 में आजादी से पहले जब गोपीनाथ जी, जो आसाम के बहुत बड़े लीडर थे, जब उन्होंने कहा था सियालकोट के वोटिंग के लिए कि सारे हिंदुओं जाओ और वोट करो क्योंकि सियालकोट भारत में होना चाहिए, सारे मुसलमान सुबह सुबह लाइन लगा करके वोट किए थे कि सियालकोट पाकिस्तान में होना चाहिए, उसी तरीके से इस बार 2024 के इलेक्शन में मुसलमान भारी तादाद में निकल करके वोटिंग कर रहे हैं और मोदी जी को हराने की कोशिश में लगे हुए। अब इसमें क्योंकि कुरान के खिलाफ जा करके हमारे भारत में और पाकिस्तान में 72 फिरका है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के मुसलमान तो कुरान मानते ही नहीं, अगर कुरान मानते तो 72 फिरका कभी नहीं बनाते। अब इन फिरकों में सिर्फ सुन्नी, दियोबंद और अहले हदीस, ये मोदी जी के विरोध में, सिर्फ, बाकी सब मोदी जी के सपोर्ट में है। तो वो 7% जो है वो बड़ी एनर्जी के साथ मोदी जी के खिलाफ वोटिंग करने के लिए सुबह सुबह पहुंचते हैं, लेकिन 82.7% सनातनी जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह और भगत सिंह जी की तरह कर रहे हैं। ठीक है, 400 पार जब होगा, मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट बिल्कुल वैनिश कर देना चाहिए, खत्म, मदरसे का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान, मैं भारत में रहती हूं, अगर मुझे दीनी तालीम देने के लिए अपने बेटे को मदरसा भेजना पड़े तो लानत है मेरे ऊपर मुसलमान होने का। अगर मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह पढ़ाने के लिए मुझे किसी मौलवी के पास भेजना पड़े अपने बेटे को तो लानत है मेरे ऊपर, मुझे तो मर जाना चाहिए। एक मुसलमान माँ के पेट से पैदा होकर के, मुसलमान औरत होकर के, मुसलमान माँ होकर के अगर मैं अपने बेटे को कुरान की तालीम ना दे पाई घर पे तो फिर लानत है मेरे ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर मुसलमान माएं और हर मुसलमान अब्बू जान अपने अपने बच्चों को दीनी तालीम अपने अपने घर पर दे, क्योंकि सरकार का काम मुल्ला बनाने का नहीं, कारी और मुफ्ती बनाने का नहीं। तो मेरे हिसाब से 400 पार होने के बाद वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट बुलडोजर से खत्म कर देना चाहिए, देवबंद का कंसेप्ट बुलडोजर से खत्म कर देना चाहिए, मदरसे का कंसेप्ट बुलडोजर से खत्म कर देना चाहिए, और ये जो वैरायटीज ऑफ निकाह है और ये जो सेक्स लस्ट की जो फ्लेक्सिबिलिटीज इस्लाम में है उसको खत्म कर देना चाहिए, और साथ साथ ये जो बाजार खुला हुआ है मजार का, ये जो कॉर्पोरेट सिस्टम खुला हुआ है कि एक एक मजार की चादर 15-15 हजार और 25-25 हजार में बिक रही है, उस पर कोई एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो और स्पेसिफिकली। बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे जब हम बेल्जियम में रहते थे और मेरे बच्चे जब स्कूल गोइंग एज पे पहुंचे, हमने इनको स्कूल में दाखिल कराया तो मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया, उसने कहा हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, तो आपके बच्चे को हम इस्लाम सब्जेक्ट में डालें? तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चों को कौन सा इस्लाम सिखाना है वो हमें अच्छी तरह पता है, हम घर में सिखाएंगे, आपका काम नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है मॉरलिटीज, तो हम उनको फिर उस सब्जेक्ट के दौरान जब मुसलमान बच्चे उधर होंगे, क्रिश्चियन उधर होंगे, तो आपके बच्चों को मॉरलिटीज में। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दीनी शिक्षा स्कूल का काम नहीं है, मदरसों का काम नहीं है, चाहे वो हिंदू की शिक्षा है, मुसलमान की है, सिख की है, वो अपने घर में लें। स्कूल्स आर ओनली फॉर एजुकेशन। एनी वे नाजिया जी, अगेन आप जितना खुल के बोलती हैं, आपसे कई घंटों बात करने का मन करता है, लेकिन अभी आप हैदराबाद से आई हैं और अभी आपके आगे भी काफी कार्य हैं, तो होपफुली जब अगला मरला इलेक्शन का आएगा तो आपको फिर जहमत देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वंदे मातरम, भारत माता की। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ मजहब के ठेकेदारों को बल्कि जो शांति दूतों का मजहब है उसको भी अच्छे तरीके से एक्सपोज किया और बात की एक्स मुस्लिम से लेके जो कट्टरपंथी है उनके बारे में, और बताया कैसे शांति दूतों के मजहब में जो है अश्लीलता है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि ये मजहब जो है वो अश्लीलता का बाजार बनता जा रहा है जिसमें काफी सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसलिए आपके एक एक वोट की जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि नाज़िया अली खान जी ने कहा कि बीजेपी को 400 पार जाने की बहुत जरूरत है, तो इसलिए मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए, वरना वही होगा जो 1947 में हुआ था। इसलिए अगर आप भारत में तरक्की चाहते हैं और रिफॉर्म्स चाहते हैं तो इस बार बीजेपी सरकार को जिताइए और 400 पार पहुंचाइए। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। पर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।